नमस्कार एवं जय जोहार दोस्तों, मैं हूं त्रिलोचन प्रसाद देवांगन। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक हूं और आशा करता हूं आप लोग भी ठीक ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम दिया था मैंने सेद गंगा मंदिर पार्ट वन। दोस्तों अब मैं सेद गंगा मंदिर पार्ट टू लेके आया हूँ। दोस्तों इस पार्ट वन और पार्ट टू करने का मतलब ये था कि दोस्तों उसका जो ड्यूरेशन था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरे को पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड करना पड़ा दोस्तों। और क्या है, आजकल लोग जो बहुत लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने उसको दो भाग में मैंने उसको बांट दिया था और इसका मतलब कुछ और ज़्यादा नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों समय का बचाव करते हुए मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आए हैं यहाँ पे महामाया मंदिर में सेद गंगा के ही दोस्तों। चलो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, अंदर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर जो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, कलर पेंट वगैरह ज़बरदस्त तरीक़े से किया गया है दोस्तों। और हम लोग इस प्रांगण के अंदर में थोड़ा सा आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंदिर में महामाया मंदिर है, इसमें हम लोग को परमिशन नहीं है ज़्यादा टाइम, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ का। और एक बार बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्षण आपको दिखा देते हैं कि इस मंदिर में जो मैया इस तरह से है। आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे देखने के लिए तो आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, कोई मनाही नहीं है। बाकी यहाँ वीडियो और फोटो लेने के लिए मनाही है दोस्तों। मैं तो यहाँ पे थोड़ा परमिशन लिया हूँ, इसकी वजह से मैं आप यहाँ पे वीडियो बना लिया हूँ आके। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते यहाँ से, और यहाँ से हम लोग दूसरे मंदिर में चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग और दूसरे मंदिर में आए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा, इसको छत्तीसगढ़ में जय खाम बोलते हैं और हिंदी में यहाँ पे जय स्तंभ बोलते हैं, बड़ा बड़ा लगा हुआ ये सतनाम समाज का जो है ये मंदिर है दोस्तों। बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। इसके बगल में महामाया मंदिर आप देख सकते हैं, यहीं से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा के आया हूँ वहाँ पर। कुंड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा कुंड है दोस्तों। और मंदिर का ये सतनाम समाज का मंदिर जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जय सतनाम दोस्तों। और मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में बाबा गुरु घासीदास जी का यहाँ पे मंदिर है जो बना हुआ है। देखिए वहाँ पे मंदिर में आपको देख सकते हैं उनके चित्र को आप, भगवान जो है जो विराजमान है यहाँ पे दोस्तों। बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, इसका भी लगभग मेरे ख्याल से जीर्णोद्धार हुआ है, नया टाइल्स वगैरह लगा हुआ है दोस्तों। और इसके बाद में हम लोग इसका पे छोड़ रहा है पीछे में, इधर चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं कुंड, यहाँ भी कुंड है, यहाँ पे दो मंदिर आप लोग देख सकते हैं। इसे दो मंदिर के बाद में हम लोग और दूसरे मंदिर की ओर ले जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद में हम आपको यहाँ से वीडियो को समाप्त करेंगे। ये सबसे पहले आपको बता देते हैं इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपको तो पहले से बता दिया है पुजारी जी ने, लेकिन इस मंदिर का जो निर्माण है उसके बारे में हम लोग को भी पता नहीं है। मंदिर जो है जो मैं और आप लोग को दूसरा जगह और दिखाऊंगा, फिलहाल इस मंदिर के बारे में हम लोग और जान लेते हैं और ज़्यादा। यहाँ पे देखिए पुराना ये बिल्डिंग जो है बहुत ही पुराना लग रहा है दोस्तों। 1996 सन का बना हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों गुरु घासीदास धर्म स्थान सेद गंगा। बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। यहाँ पे देखिए घंटी लगा हुआ है और इस जगह से शायद मंदिर से पुराना मंदिर जो भगवान जो होंगे वो शायद इसको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरा मंदिर में। और यहाँ पे जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी मस्त बराबर का है, यहाँ पे घास वगैरह लगाया हुआ है, नया लगाया हुआ है यहाँ पे घास। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बाउंड्री वाल को जो पूरा घेरा हुआ है, बहुत ही अच्छा मतलब इस मंदिर को बनाया गया है दोस्तों। और जगह भी काफ़ी अच्छा मंदिर मतलब बहुत ही सुकूनदायक यहाँ पे क्षेत्र जो माहौल जो बना हुआ है बहुत ही अच्छा सुकूनदायक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके जस्ट पीछे में आप बाजार लगा हुआ है, मार्केट यहाँ पे शायद सेद गंगा का मार्केट है दोस्तों, जो इसके जस्ट मंदिर के बगल में यहाँ पे दिख रहा है आपको।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नया वीडियो लेकर, कुछ ऐसे ही इसी तरह की वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको अच्छे से अच्छे, और मैं अभी तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ किसी मंदिर वगैरह के बारे में, हो सकता है अगले बार जो है बहुत ही अच्छा चीज़ लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।